asalamu As alaikum students my name is arfa jaz and i am your english teacher of class 1 i hope you all are fine at your homes so open your english workbook page number 28 a, uh, there is a story about chicken, chicken uh, that you read in a textbook then in which story the, you are discussing about some birds like uh, Henny Penny, Ducky Pookie, like many birds are there. So, related to this lesson, there is one exercise for you. So, first of all, mention date and day on the top of the page and see what is happening in this exercise. The part A is you read about chicken licken in the textbook. You now इन्जॉय दिस पॉइंट टू दिस विल हेल्प इम्प्रूव योर रीडिंग फ्लूंसी अब वो क्या कह रहे हैं कि आपने चिकन लिकन की स्टोरी तो आपने टेक्स बुक में, में पढ़ी है अब आप इस पॉइंट को रीड करें और इंजॉय करें ताकि आपकी रीडिंग जो है वो मोर बेटर uh, हो सके सो फ्रिस्की रिस्की फिस्की रिस्की हैपर्टी होप अप दी गोस टू द ट्री टॉप रिली ट्रिली राउंड एंड राउंड डाउन ही स्क्रम्पर्स टू द ग्राउंड फुलली वट अ टेल टोल एस फीदर ब्रॉड एज अ से सुपर इन द शल स्नैपिक क्रैक आउट इट फेल अब वो क्या कह रहे हैं कि इस पोइम में से आपने रॉइमिंग वर्ड्स ढूंढने रामिंग वर्ड्स मीन्स जो एक जैसे प्रनाउंस करें या एक जैसे साउंड आए लाइक फर्स्ट उन्होंने कोई एग्जाम्पल दिया है फिस्की फ्रिस्की फिस्की फ्रिस्की ठीक अब वो देखो इस पॉइंट में है ना ये देखो फर्स्ट पे अब आप देखो और कौन से हैं लाइक रिली ट्रिली हॉप टॉप राउंड ग्राउंड फली क्रली टेल सेल शेल फेल ओके देर आर ओनली सेवन राममिंग वर्ड्स ओके लाइक Whiskey, frisky, shell, fell, really, truly, tail, sail, round, ground, hop, top, furly, curly. Okay? There are seven rhyming words. Now, come on page number 30, part C. Mention date and day on the top of this exercise. Okay? Replace the underlined words. विद वी यू ही शी इट दे एंड रैकेट्स अब वो क्या कह रहे हैं कि रिप्लेस द अंडर लाइन वर्ड्स जो अंडर लाइन वर्ड है ना सेंटेंस में आपने उनको रिप्लेस करना है इन वर्ड्स में से मतलब अगर बुआ है तो ऑफ़ तो कोर्स ही आएगा अगर किसी वन पर्सन से मोर देन वन पर्सन की हम बात कर रहे हैं तो हम उसमें दे लगाएंगे वही लगा सकते हैं ओके okay? now see the first one is mr boose is a teacher now mr boose is a name of a male so he is a teacher we will use he like this he is a teacher my mother is a singer now mother is a girl a woman so we will use she instead of uh, replacement of my mother that's mean we are Uh, here हेयर वी आर यूजिंग नाउन there are nouns and in a replacement we are using pronouns okay <coughs> so my mother is a singer उस जगह हम क्या यूज करेंगे अंडरलाइन वर्ड की जगह हम लगा देंगे शी अली एंड हमजा आर ब्रदर्स अब हम बात हैं टू ब्रदर्स के बारे में कि अली और हमजा जो है वो ब्रदर्स हैं हम वी भी नहीं ले मैं हम अपने बारे में बात तो नहीं ना करें कि मैं अली और हमजा जो है हम बहन भाई हैं हम ऐसे तो नहीं ना कह रहे हम कह रहे हैं कि वो बहन भाई हैं अली और हमजा आर द आर ब्रदर्स सो वी विल यूज़ दे ओके नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज डेट इज मिनी इन्स मिनी इज माई डॉल अब डॉल के लिए एनिमल्स के लिए या टॉयज वगैरह के लिए मतलब जो चीज़ें लाइक बर्ड्स हैं एनिमल्स हैं इनके लिए हम क्या यूज करते हैं इट सो राइट हियर इट आदिल एंड आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट अब आदिल एंड आई है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे कि मैं और आदिल जो है वो मार्केट जा रहे हैं तो मैं क्या कहूंगी कि हम दोनों दैट्स डे वी वी गो टू द मार्केट सो अंडरलाइन वर्ड को आप रिप्लेस किस में कर दोगे वी में The teacher said, Sara go to the library. Now, what is she saying? The teacher said, Sara go to the library. Now, sarah Sara is a noun. She is a girl. So, in a replacement, we use pronoun that is she. For a girl, we use she. So, you just have to write her she. Okay. Now, come on the next part that is D part. Change into the capital letters wherever needed. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस नाउ व्हाट आर दे सेइंग कि आपके पास कुछ सेंटेंसेस गिवन है बट वो कैपिटल लेटर्स में नहीं है लाइक प्रॉपर सेंटेंसेस नहीं बने हुए आपने उनको प्रॉपर सेंटेंस बनाना है हाउ यू मेक इट प्रॉपर सेंटेंस द फर्स्ट सेंटेंस इज लाहौर इज इन पंजाब ना वो क्या कह रहे हैं लाहौर जो है पंजाब में अब आप देखो लाहौर फर्स्ट ऑफ ऑल के वो फर्स्ट वर्ड है तो ऑफकोर्स फर्स्ट वर्ड हमारा हमेशा कैपिटल होता है और सेकेंड इज लाहौर लाहौर इज अ प्लेस और किसी भी प्लेस या किसी भी नेम को हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं सो so, लाहौर का एल जो है वो कैपिटल आ जाएगा लाहौर इज इन पंजाब और आगे फुल स्टॉप नाउ द सेकेंड इज हाउ ओल्ड इज बिलाल अब आप देखो हाउ का एज जो है वो स्मॉल लिख है और बिलाल का बी भी स्मॉल है बिलाल का जो है वो नेम है ना सो so, नेम्स तो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो एल जो है वो सॉरी uh, एज जो है वो हाउ का कैपिटल आ जाएगा बिकॉज वो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है और बिलाल का बी भी कैपिटल आएगा बिकॉज इट इस नेम ओके तो आप क्या करोगे एज का हाउ कैपिटल लिखोगे और बिलाल का बी ओके नाओ द थर्ड सेंटेंस इज माई फादर वर्कस इन कराची क्लॉथ मिल नाउ द फर्स्ट वर्ड इज ऑफकोर्स इन द कैपिटल लेटर दैट इज माई फादर वर्क्स इन कराची कराची का के कैपिटल आएगा बिकॉज दिस इज अ प्लेस सो कराची का के कैपिटल आएगा नाव मोहसिन वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर अब मोहसिन का एम कैपिटल आएगा बिकॉज ये नाम है वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर आगे फुल स्टॉप चिल्ड्रन लव टू वॉच पॉप आय अ कार्टून अब चिल्ड्रन का सी कैपिटल आएगा लव टू वॉच पॉप आय अ कार्टून आगे लास्ट में फुल स्टॉप अब ना आके देखो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास टू पिक्चर्स गिवन एंड देर आर टू फेसेस एंड वन इज़ अ हैप्पी फेस एंड सेकंड इज़ अ सैड फेस सो अब आपने ये फेसेस को देख के एक आपने सेंटेंसेस दोनों को कंप्लीट करना है आई फील हैप्पी वन आई एम विद माई फैमिली आई एम प्लेइंग आई एम प्ले आई एम रीडिंग आई एम वाचिंग टी कुछ भी आप लिख सकते हो ओके okay? Now, the second phase is sad. I feel sad when I tell a lie. I get injured. Um, I didn't complete my work. Okay, you can write anything. So, the page number 31 is also complete. So, complete your work on time. And uh, best of luck. Do your hard work at your home. Allah Hafiz and take care.